ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सांसद भवन में एक व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर सुरक्षा कर्मियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एक चाकू भी बरामद की गई। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, युवक अपना नाम सागर बता रहा है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर का रहने वाला है ये शख्स। आपको बता दें कि सांसद भवन के गेट नंबर 1 से घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ लिया। इसके पास तलाशी के दौरान एक चाकू भी बरामद किया गया है और ये अपने आप को बाबा राम रहीम का भक्त बता रहा है। मगर सांसद भवन में चाकू लेकर क्यों जा रहा था, आखिर इसकी क्या मंशा थी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। सुरक्षा कर्मियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया है और ये चाकू लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। युवक बाइक सामने ही खड़ा किया और बाइक खड़ी करने के बाद सांसद भवन में घुसने की कोशिश करने लगा, मगर परिसर में ही इसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और चाकू भी इसके पास से बरामद हुई है। खुद को राम रहीम का भक्त बता रहा है। सांसद भवन में चाकू लेकर घुस रहा था, मगर इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने इसे पकड़ लिया। आखिर चाकू लेकर घुसना इसकी क्या मंशा थी, इसने अपना नाम सागर बताया है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।